भाई गुड आफ्टरनून सबको, प्रोजेक्टाइल की खुशियां मुबारक। ओके, तो सेकंड लेक्चर है प्रोजेक्टाइल मोशन का, बट सेकंड लेक्चर प्रोजेक्टाइल मोशन का, अगर आप प्रोजेक्टाइल मोशन के प्यार में अब तक नहीं पढ़े हैं तो मुश्किल है थोड़ा सा, बट लेट्स ट्राई अगेन। यू नो ये बेसिक आइडिया आपने को याद ही होगा शायद, ये वी जीरो इनिशियल वेलोसिटी है, थीटा एंगल विद द हॉरिजॉन्टल है। आई एम श्योर क्या करने का आपको पता ही है, इसके दो कंपोनेंट्स निकाल लिए आपने। सर ये सब हमको आता है, आप क्यों कर रहे हो? भाई जरा सा सबर रखो, सब बताऊंगा। तो इसमें वी ओ एक्स कितना है, वी जीरो कॉस थीटा, एंड वी ओ वाई कितना है, वी जीरो साइन थीटा। ओके, और फिर ए एक्स और ए वाई की इक्वेशंस हम निकालते थे, अगर आपको याद हो तो ए एक्स और ए वाई की इक्वेशंस कुछ इस प्रकार निकालते थे हम, कि वर्कआउट हो जाता था। जस्ट रुक जाओ एक सेकेंड, ए एक्स और ए वाई के इक्वेशन निकालने के लिए थोड़ी सी जगह की जरूरत है। ओके, आई एम श्योर ये आपने देखा ही है कब से। ओके, तो ए एक्स जीरो हुआ करता था एंड ए वाई used to be माइनस जी, माइनस primarily बिकॉज ये ग्रेविटी इस तरफ थी, नेगेटिव वाई डायरेक्शन में, तो वी कॉल्ड इट माइनस जी। ये वी ओ वाई पॉजिटिव वाई, वी ओ एक्स पॉजिटिव एक्स, तो दोनों पॉजिटिव। और फिर ये चार अपने हाथ में हो तो दुनिया की हर चीज हम निकाल सकते हैं, चाहे वो टाइम टेकन टू रीच मैक्स हाइट हो, चाहे वो टाइम ऑफ फ्लाइट हो, वो मैक्स हाइट हो, रेंज हो, ये चारों के जरिए ही हम उन चीजों तक पहुंच सकते थे। तो ये चार सबसे इंपॉर्टेंट है। आओ एक नया समा पेश करें, सेम बॉडी सेम तरीका, सेम फेंकने का, वी जीरो स्पीड, एंगल मेड विद द हॉरिजॉन्टल इज थीटा एज यूजुअल, बट इस बार बॉडी को फेंका जा रहा है हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, यू नो हॉरिजॉन्टल नहीं इनक्लाइन प्लेन पे। तो बॉडी कैसे जाएगी, ड्रुर करके यो बॉडी का मोशन, यहां बॉडी का मोशन कैसा होता था, लाइक दिस and in this plane along the x and the y axis, यहां पे x और y बदल जाते हैं। I'm sure you remember, ये आपका नया x होता था, ये आपका नया y होता था। I am sure आपने laws of motion में ये idea देखा ही होगा। अच्छा laws of motion अगर याद हो तो सबसे पहले laws of motion करने से पहले, now how much is this projectile making an angle with the plane? You know, the angle made by projectile with the horizontal is theta, this blue color, and the inclined plane is alpha. So, what would be the components of VO along and perpendicular to this inclined plane? Let's have a look. सबसे पहला तो ये angle कितना होता है? Theta minus alpha. Do you agree? ये पूरा theta है, इतना alpha है, तो इतना कितना होगा? Theta minus alpha. इसके दो components. ये है तुम्हारा वी ओ एक्स और ये है तुम्हारा, क्या है तुम्हारा, दिल है तुम्हारा वी ओ वाई। कैन समवन गिव मी द इक्वेशंस फॉर वी ओ एक्स एंड वी ओ वाई? हाउ मच इज वी ओ एक्स? इजंट इट वी जीरो कॉस थीटा माइनस अल्फा? And how much is VOY? V0 sine. You know, एक अजीब सी गंदी आदत पड़ गई थी AX is equal to 0 and AY is equal to minus G लेने की। अब यहां पे थोड़ा सा चेंज है। सर क्यों चेंज है? अच्छा तुमने कभी एक डब्बा देखा है इंक्लाइन प्लेन पे? ओके, इसके इसके वेट के कंपोनेंट्स कोई बता सके भला? पहला तो ये mg, फिर ये क्या था, मतलब अल्फा, mg cos अल्फा, अल्फा है ना इंक्लाइन प्लेन का, और ये कितना है, अगर मास निकाल दूं तो ये ग्रेविटी हो गया, तो ये ग्रेविटी के कंपोनेंट्स अलोंग y ये है एंड अलोंग x जी साइन अल्फा। तो इस बार पहली बार हमने ए एक्स और ए वाई के जी के अलावा अलग अलग वैल्यूज देखे हैं। तो ए एक्स, एनीबडी कैन टेल मी ए एक्स कितना होता है अलोंग दिस डायरेक्शन,
जी साइन अल्फा, बट कैसा, प्लस या माइनस? ये प्लस का डायरेक्शन है और ये इस तरफ आ रहा है तो ये माइनस। एंड हाउ मच इज ए वाई? यू विल आर्ग्यू सर जी कॉस अल्फा, पर माइनस या प्लस? वेरी गुड, आ गए तुम्हारे चार अनमोल रत्न, VOX, VOY, AX और AY। आ गया, नो प्रॉब्लम्स। ये आपने बॉडी को नीचे से फेंका ऊपर की ओर, सपोज अगर ऊपर से फेंकते नीचे की ओर तो सर ऐसा कैसा कर देते हैं जी? और किसको ज्वाइन करना तू बोल, मैं कर देता हूं। दिस इज बॉडी बींग थ्रोन अप द प्लेन, नाउ बॉडी बींग थ्रोन डाउन द प्लेन। भाई सपोज ऐसा जा रहा है वो, ये वी जीरो एंड ये अल्फा है, डू यू अग्री? अगर सपोज ये थीटा हुआ, लेट अस कॉल इट थीटा, तो ये कैसा जाएगा? इसके दो कंपोनेंट्स निकालने पड़ेंगे, तो पहला ये वी ओ एक्स है, ये वी ओ वाई है। तो एनी बडी कैन टेल मी, केयर टू टेल मी वी ओ एक्स एंड वी ओ वाई? ये आपके एक्स और वाई प्लेन है। कैन यू सी वी ओ एक्स इज अलोंग द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, सो वी ओ एक्स इज माइनस वी जीरो कॉस थीटा, एंड व्हाट इज वी जीरो वाई? ओके, अच्छा ये तुम्हारा बॉडी है, ये ऐसा कोई भी बॉडी पकड़ लो, ये एम जी, ये एम जी कॉस अल्फा, और ये अगर आपको जरा भी माइनस या प्लस का जोलो तो हमेशा ये बना लेने का, फिर एमएमएम उड़ा देने का, ये ले ये ले ये ले। तो एनी बडी केयर टू टेल मी ए एक्स एंड ए वाई? एक्स माइनस बी माइनस एंड ए वाई, और ये चार मिलने के बाद जन्नत आपके हाथ में है, बरोबर, सारी खुशियां आपके हाथ में। आपको जो भी चीज निकालनी है आप वही चीज करके निकाल सकते हो। सर इसका मतलब क्या है? ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको उड़ा देता हूं। अगर कोई तुमसे पूछे कि ये प्रोजेक्टाइल जाएगा, ओके ये होमवर्क मैं चाहता हूं, मैं वेरी गुड, यहां तक आया, लेट अस से ए तक आया, ये सॉरी ये ए है, ये बी है। अब आपके लिए तो ये वैसा ही हो गया ना जैसा वो था ओरिजिनल, कोई फर्क नहीं है, बस एक्स वाई एक्सिस पलट गए। आपको वी ओ एक्स वी ओ वाई आपके पास है, ए एक्स ए वाई आपके पास है। कोई आपको फाइनल वेलोसिटी पूछे तो भी अग्रीएबल है, कोई आपको डिस्टेंस पूछे, सपोज ये एक्स फाइंड करना है, आपके पास डिस्टेंस का कोई फॉर्मूला है? डी इज इक्वल टू वी जीरो टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ओके। तो उसी तरह एक्स इज इक्वल टू वी ओ एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। जूने जमाने में ए एक्स जीरो हो जाता था तो हम छोड़ देते थे उसको, तो वो इक्वेशन अब वैलिड नहीं हो सकते, अब तुमको नए निकालने पड़ेंगे। वाई की जगह आपको लेना पड़ेगा वाई इज इक्वल टू वी जीरो वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। अच्छा मैं क्या चाहता हूं आपसे होमवर्क में, इन होमवर्क क्या आप मेरे को टाइम टेकन टू रीच मैक्स हाइट फाइंड आउट कर सकते हैं? टाइम टेकन टू रीच दिस, सर कैसे करने का? अरे बाबा तुमको याद है पॉइंट ए पे मैक्स हाइट कैसे फाइंड करते थे? पॉइंट ए पे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बिकम जीरो, याद है? वी वाई इज इक्वल टू जीरो हो जाता था तो टी एम मिल जाता था तुमको। एंड सेकेंडली मुझे एच भी चाहिए, एच मतलब इज इन दिस वाई, तो वाई इज इक्वल टू वी जीरो वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर में आप टी की वैल्यू डालो और एच निकालो। डू यू थिंक आपसे हो पाएगा ये?
वेरी गुड, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात करी। और ओ से बी तक इसको कहते हैं रेंज, दुनिया जानती है। ओ टू बी कितना टाइम लगेगा, तो उसके लिए वाई कितना हो जाएगा, 0, तो तुमको टी एफ मिल जाएगा। एंड फिर फाइनली एक्स के इक्वेशन में टी एफ डालो। तो जैसे मैंने कहा, आप इन सब चीजों से ये रेंज, हाइट, टी एम, टी एफ फाइंड करें, उसी तरह यहां भी करें। वैसे बात तो सेम ही है, इसमें करोगे या इसमें करोगे बात सेम ही आएगी, बस इसमें ये फर्क है, यहां वेलोसिटी के दोनों कंपोनेंट पॉजिटिव है, एक्सिलरेशन के दोनों कंपोनेंट नेगेटिव है। यहां वेलोसिटी का एक कंपोनेंट नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, एक्सिलरेशन के दोनों कंपोनेंट्स नेगेटिव है। तो बस वही करना है, और कुछ तो करना नहीं है। हमको इसके बारे में बहुत ज्यादा टेक्निकलिटी तो घुसना नहीं है, हमको ये चारों पता चले तो जो भी कुछ करना हो वो कर सकते हैं। आई एम गोइंग टू इलस्ट्रेट दिस बाय डूइंग SP4। आई होप यू ओपन्ड SP4 इन योर टेक्स्ट बुक्स नाउ, इन योर बुक्स SP4, सैम्पल प्रॉब्लम नंबर 4 फ्रॉम द अरिहंस मास्टर रिसोर्स बुक इन फिजिक्स। इट वॉज लवली। ओके, एज आई सेड SP4, क्या कहता है SP4? ओके, लेट मी सी। ओके, व्हाट दिस इज, अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड इन एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल एज शोन। ओके, देर इज अ प्रोजेक्टाइल, वी हैव नियरली द सेम डायग्राम दैट वी हैड सम टाइम बैक। सो दिस इज द प्रोजेक्टाइल एंड दिस इज बीइंग फायर्ड विद द स्पीड V0 एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, एंड द कंडीशन अंडर विच लैंड परपेंडिकुलर ऑन एन इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन आल्फा। सो ये जो प्लेन है इसका इंक्लिनेशन आल्फा है, एंड वी वॉन्ट इट टू लैंड परपेंडिकुलर। ओके, अर्थात ये ऐसा जाएगा और ऐसा लैंड करना है उसको, एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू आर प्लेन। ओके, एग्जैक्टली परपेंडिकुलर। अच्छा, आई एम श्योर यू नो दिस इज एक्स, दिस इज वाई, एंड जी के भी कंपोनेंट्स हमको चाहिए ही। तो मैं थोड़ा जी जी के बारे में आपको जानकारी है ना, दिस इज जी कॉस आल्फा, दिस इज जी साइन आल्फा। तो कुछ भी करने से पहले, सबसे पहले ये प्रोजेक्टाइल इस प्लेन के साथ कितना एंगल बना रहा है, हाउ मच इज दिस, इजंट इट थीटा माइनस अल्फा। तो सबसे पहले हम वीओ एक्स और वीओ वाई फाइंड कर लेते हैं। वीओ एक्स इट इज वी जीरो कॉस थीटा माइनस अल्फा, वीओ वाई इज वी जीरो साइन थीटा माइनस अल्फा। ए एक्स भी पता है मेरे को, ए वाई भी पता है, ए एक्स कितना है जी साइन अल्फा, पॉजिटिव या नेगेटिव? ओके, अच्छा, नाउ ये करके यहां लैंड करना है। अच्छा, इफ प्रोजेक्टाइल, इफ बॉडी लैंड्स परपेंडिकुलरली, तो सिर्फ इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, मतलब कौन से डायरेक्शन में वेलोसिटी है, वाई डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। इफ बॉडी लैंड्स परपेंडिकुलरली ऑन द इंक्लाइंड प्लेन, the x component of velocity vx becomes equal to 0। भाई तुम्हारे पास, किसी के पास x component of velocity का कोई find करने का तरीका है क्या? vx is vox plus ax into t, do you know this formula, v is equal to v0 plus at Vox, ये रहा। डू यू वॉन्ट टू ट्राई, वी एक्स कितना है, 0, वी 0 कॉस थीटा माइनस आल्फा प्लस ए एक्स कितना है, माइनस जी साइन आल्फा इंटू टी। यहां से अपने को टी मिल सकता है क्या? आप करोगे तो मिलेगा, बैठे रहोगे तो तंबूरा मिलेगा, कुछ नहीं मिलने वाला। सो मैं तो कर रहा हूं,
सो ये माइनस जी साइन अल्फा इंटू टी को यहां ले लिया, जी साइन अल्फा इंटू टी इज वी जीरो कॉस। यहां से लेडीज एंड जेंटलमैन मुझे टी मिल जाएगा टाइम, सो वी जीरो कॉस थीटा माइनस अल्फा ओवर जी साइन अल्फा। अच्छा ये पहला इक्वेशन है। एंड हमको कंडीशन किस तरह चाहिए, हमको कंडीशन चाहिए अल्फा और यू नो साइन माइनस अल्फा उस तरह। अच्छा अगर बॉडी ओ से शुरू हो के ए तक आया है, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इन द वाई डायरेक्शन। बॉडी है सपोज यहां से वो यहां आया, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट अलोंग द वाई डायरेक्शन। जीरो। रेंज रेंज फाइंड करने के लिए सपोज ये हॉरिजॉन्टल यू नो सिचुएशन था, यहां से एक बॉडी फेंकी तुमने टॉक यहां पे आई, तो यहां से लेकर यहां तक आया ये इनिशियल ये फाइनल, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई डायरेक्शन। जीरो है ना, बराबर। सो एज बॉडी गोज फ्रॉम ओ टू ए, इट्स डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई डायरेक्शन दैट इज वाई इज जीरो। सेम वो रेंज वाला फंडा यार, कोई फर्क नहीं है। आपके पास वाई का इक्वेशन है क्या। मैं उड़ाना चाहता हूं, वाई इज वी ओ वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई। एक काम करो, ये वाई को यहां पे जीरो रखो, वी ओ वाई की वैल्यू यहां रखो, ए वाई की वैल्यू यहां रखो, टी टी एक कट जाएगा, फिर वो टी की वैल्यू यहां रख देना। मैं रखूं या आप रख रहे हो, ट्राई कर रहे हो। वाई को जीरो, वी ओ वाई को ये वैल्यू, ए वाई को ये वैल्यू, और फिर यहां जीरो है करके एक टी कट जाएगा और जहां टी आएगा उसके जगह ये वैल्यू। यू थिंक यू कैन डू इट। यस सर। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स टू कंप्लीट दिस। सबके पास बुक्स है तो आपके सामने यू नो आंसर होगा ही। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स टू डू दिस। यू थिंक यू कैन डू इट और यू वॉन्ट मी टू डू इट। सो ये टी मुझे मिल चुका है, वाई की जगह मैं जीरो डालूंगा एंड थोड़ा सा चीजों को उड़ा दें, टी को रखेंगे। अगर आपके आंसर में कहीं टू आ रहा है या हाफ आ रहा है तो उसमें कोई दिक्कत मत लेना। सो वाई की जगह जीरो इज वी जीरो वाई, ये रहा वी जीरो साइन थीटा माइनस अल्फा इंटू टी एंड प्लस हाफ ए वाई, ए वाई इज माइनस हाफ जी कॉस अल्फा इंटू टी स्क्वायर। ये माइनस हाफ जी कॉस अल्फा इंटू टी स्क्वायर को मैं यहां ले आता हूं और सबसे पहले मैं एक टी को उड़ाता हूं। ये टी उड़ा पड़ांग, और अब टी की जगह इसको फिट करने का है। सो वी जीरो कॉस थीटा माइनस अल्फा अपॉन जी साइन अल्फा। लेट अस सी यार, मैंने तो कुछ सोचा नहीं। सबसे पहला तो वी ओ वी ओ कट हो गया जी, जी जी कट हो गया जी। ए कॉस अल्फा साइन अल्फा, वाह 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 वा, मजा आने वाला है। इसको अब उड़ाने का है क्योंकि इसकी जरूरत ना है। सो हाफ कॉस अल्फा बाय साइन अल्फा इज साइन थीटा माइनस अल्फा ओवर कॉस थीटा माइनस अल्फा। वैसे यहां से कॉस बाय साइन कॉट हो सकता है, पर उन्होंने टैन के फॉर्म में दिया है ना, टैन टैन अल्फा के फॉर्म में दिया है, तो मैं सबको पलटा दूंगा। तो टू साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा, इसको भी पलटी। किसी को ये आया, तो टू टेन अल्फा इज कॉट, ये आ गया। अटकने का नहीं, अपना क्या टैगलाइन है, कीप वॉकिंग, चलते चलो। मेरे को भी पता नहीं था आंसर क्या है, मेरे को भी देखना पड़ा किस फॉर्मेट में, नहीं तो अपने को यहां पे कॉट अल्फा बाय टू,
इज इक्वल टू टेन थीटा माइनस अल्फा, पर फिर आंसर में देखा तो ऐसा नहीं था, पर आंसर में टेन अल्फा था तो पलटा दिया पड़ंग पड़ंग करके, है ना? सही है, ओके ऑलराइट। तो मैं उड़ा रहा हूं इसको, और अब मैं करने जा रहा हूं राउंड टू का फाइव नंबर। आप लोगों के पास चोपड़ी है तो राउंड टू का फाइव नंबर देख लो फटाफट, फटाफटी। अरे उन्होंने सिर्फ आइडिया दिया है, टू नहीं है तो इसका मतलब वो नहीं है। टू इज नॉट अ लाइफ चेंजर, इट्स नॉट अ गेम चेंजर। बस तू दोनों साइड पे टैन और कॉट की टर्म्स को वो करना, क्या बोलते हैं उसको, कंपेयर। ओके राउंड टू का फाइव क्या कहता है मुझसे। प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड एट 60 डिग्री एंगल विद दी हॉरिजॉन्टल फ्रॉम अ सोपिंग सरफेस। अच्छा सरफेस का इंक्लिनेशन है 30 डिग्री। ओके द रेंज आर इज, अच्छा डायग्राम भी दिए लाए, अगर उन्होंने दिए लाए तो हमने किए लाए। वाह इतनी गंदी लाइन तो जिंदगी में नहीं मारी किसी। वाह ये है 30 डिग्री, और यहां से भाई आपको ये लाइन बहुत अच्छी नहीं लग रही होगी। ओ शिट यार, अच्छा जो भी है, यहां से एक बॉडी फेंक रहे हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री बना रहे हो, पर और कैसे जा रहा है ऐसा, और ये उसका रेंज है। ओके नो प्रॉब्लम। अच्छा तुमको तो पता ही है भाई, जैसा देश वैसा भेष। अब ये तुम्हारा नया एक्स है, ये तुम्हारा नया वाई है, नई दुनिया में जाके तुम्हारे आइडिया चेंज हो जाते हैं। ओके सबसे पहले हॉरिजॉन्टल के साथ 60 बना रहे है भाई, हॉरिजॉन्टल के साथ 60 बना रहा है तो प्लेन के साथ कितना बना रहा होगा। ये 30 है तो डू यू अग्री, ये भी 30 है। जुक 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 ऑल्टरनेट एंगल्स। ओके तो अब वी जीरो कितना एंगल बना रहे, इज इन दिस 90 एंड उसके दो कंपोनेंट्स वी जीरो एक्स वी जीरो वाई। एनीबडी गिविंग मी वी जीरो एक्स एंड वी जीरो वाई, वी जीरो एक्स इज वी जीरो कॉस 90, वी जीरो वाई इज वी जीरो साइन 90। एनीबडी नोज हाउ मच इज कॉस 90, जीरो, एंड हाउ मच इज साइन 90, वन। अच्छा भाई जी जी के कंपोनेंट, जी जी लू, ये तेरा जी, ये तेरा जी कॉस 30, और ये तेरा तो ए एक्स और ए वाई की भी वैल्यूज मुझे चाहिए ही भाई। ये जी वाले में आप लोग 60 वगैरह को कंफ्यूज मत कर ले बैठना, नहीं तो लफड़ा हो जाएगा लाइफ में। ओके तो ए एक्स जी साइन 30, ए वाई जी कॉस 30। भाई कुछ प्लस माइनस का कुछ करना है, वी ओ एक्स, ये वी ओ एक्स है, ये वी ओ वाई है, तो वी ओ एक्स इस तरफ जा रहा है पॉजिटिव, वी ओ वाई इस तरफ जा रहा है पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव, जी साइन 30 इस तरफ जा रहा है पॉजिटिव, जी कॉस 30 नीचे जा रहा है, बराबर है ये। ओके अब जैसे यहां से यहां तक आया, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इन दी वर्टिकल डायरेक्शन वाई डायरेक्शन। हाँ व्हेन बॉडी गोज फ्रॉम ओ टू ए इट्स डिस्प्लेसमेंट इन द वाई डायरेक्शन इज जीरो, वाई इज जीरो। एनीबॉडी नोज द इक्वेशन फॉर वाई, वाई
इज वी ओ वाई इन टू टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वेयर। यार मैं करते करते थक गया हूं, आप लोग वैल्यू डाल के मेरे को टी की वैल्यू दे सकते हैं क्या? और जब यहां पे टी की वैल्यू आएगी, अच्छा ये लगा देता हूं, वी ओ वाई कितना है, वी जीरो इंटू टी प्लस हाफ ए वाई कितना, माइनस जी कॉस 30। भाई ये माइनस वाला इधर लेके फिर टी टी काटना और टी की वैल्यू लाना। सर इस टी की वैल्यू का क्या करेंगे? अरे भाई ये एक्स डायरेक्शन में है ना डिस्प्लेसमेंट, सो रेंज दैट इज डिस्प्लेसमेंट इन द एक्स डायरेक्शन इज आर, अच्छा एक्स बोलते हैं इसको, एंड में आर बोल देंगे, एक्स इज इक्वल टू वी ओ एक्स इन टू टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। वी ओ एक्स की जगह ये लगाओ, टी की जगह जो आया लगाओ, ए एक्स की जगह ये लगाओ, टी की जगह ये लगाओ। यू थिंक लगा पाओगे? इज इट पॉसिबल? कि सर आप ही कर दो, मैं ही कर दू, मैं ही कर दू। अरे पर एक सेकंड, तेरे पास वी जीरो की वैल्यू भी तो है, 10 मीटर पर सेकंड। लगा डाल, लगा डाल। पब्लिक कर रही है साथ साथ में, आप भी करो। 1/√3, आई एम नॉट रियली श्योर। मेरे हिसाब से ये 2 का क्या किया तूने? बेटा कॉस 30 रूट 3 बाई 2 तो 2 2 4 हुआ बेटा। ये कौन था, ये कौन था उतावल वाला, कौन था कौन? हाँ दुनिया तेरा नाम जान चुकी, तेरे नाम के तो चर्चे हो रहे किटलियों पे, इसलिए तो किटलियों को बंद करवा दिया। बोले पीके का नाम का चर्चा मशहूर है, 4/√3 आ रहा है, चेक कीजिए। यस सर। और अब यहां पे वीओ एक्स मैं डालू या आप डाल रहे हो? वेरी गुड भाई, भाई ईमानदारी से ट्राई करो यार, ये ऐसे पीके पंती मत किया करो। Come on, somebody give me an answer. Very good, सावास मेरे चीते। मेरे चीते का आंसर आ गया है, वी ओ एक्स की जगह 0 डाला उसने, टी की जगह 4/√3 डाला प्लस हाफ ए एक्स की जगह जी साइन 30 डाला एंड टी की जगह 4/√3 डाल के उसका स्क्वायर कर डाला। ये तो 0 ही है, हाफ जी कितना है 10, साइन 30 कितना है हाफ, एंड दिस इज 16/3। तो 2 2 4 4 4 16, सो 40/3 इज 13.3। मैम एंड यस एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल सही जवाब, बहुत बढ़िया, अग्रीएबल। कैन आई टेक दिस ऑफ नाउ? हाँ टेक ऑफ, शैल वी टेक ऑफ? आई एम डूइंग राउंड वन का नंबर टू, आई एम डूइंग राउंड वन का नंबर टू। प्रोजेक्टाइल हमेशा एक ही चीज कहता है, मुझे धीरे से करो, आराम से करो, ध्यान लेके टाइम लेके करो। तूने 1/2 इंटू रूट 3/2 में से 2 2 उड़ा कैसे दिया पीके? तेरे को नहीं लगता कि तूने टीटी उड़ाया, फिर वैल्यूज डाल दी होती और फिर कैलकुलेशन किया होता? तूने बीच में आई एम श्योर एक आध स्टेप घापची मार दिया फराक करके।
बोल। हाँ मैं जानू तेरे को, भले मैं तेरे को कभी जानू नहीं, भले मैं तुझसे कभी मिला नहीं, पर मैं जान गया हूं तेरे को। ऐसा तो नहीं कह पाऊंगा कि तेरी नस नस से वाकिफ हूं, पर मैं जान गया हूं तू किस तरह कर रही है। अच्छा भाई, अ टेनिस बॉल रोल्स ऑफ द टॉप ऑफ अ स्टेयरवे। भाई सिस्टर केसवे लिखा है, सिस्टर केसवे नहीं होता, स्टेयरवे होता, विद हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यू मीटर पर सेकेंड। अच्छा अर्थात सर, अर्थात ये दादरा है। ओके जैसा भी दिख रहा है दादरा है ये, और यहां से एक ठो बॉल है, ये एक ठो बॉल है, और यहां जा रहा है विद द स्पीड ऑफ यू मीटर पर सेकेंड। द स्टेप्स आर बी मीटर वाइड, आहा मतलब इतना बी है, एंड एच मीटर हाई, ये हाई है एच। ओके तो द बॉल विल हिट द एंथ एज ऑफ द एंथ स्टेप। ओके एंथ स्टेप की बात चलिए। अच्छा सबसे पहले कुछ भी करने से पहले वी ओ एक्स वी ओ वाई ए एक्स ए वाई। वी ओ एक्स कितना है यू, वी ओ वाई कितना है जीरो, ए एक्स कितना है जीरो, ए वाई कितना है माइनस जी। हम वापिस इंक्लाइन प्लेन से नॉर्मल प्लेन में आ गए, बरोबर, जहां सब कुछ ग्रेविटी के हवाले है। अच्छा अगर सपोज ये बॉल कुर करके यहां टच करता है, लेट अस से एन स्टेप्स, तो इफ बॉल ट्रेवल्स एन स्टेप्स देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज, भाई एक स्टेप ट्रेवल करेगा तो बी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, दो स्टेप ट्रेवल करेगा तो कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, बी प्लस बी टू बी, तो एन स्टेप्स ट्रेवल करेगा तो कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। उसी तरह डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द वर्टिकल डायरेक्शन एक स्टेप ट्रेवल करेगा तो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा एच, दो स्टेप ट्रेवल करेगा तो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा एच प्लस एच टू एच, तो एन स्टेप ट्रेवल करेगा तो कितना वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा एन एच, एंड क्योंकि नीचे की तरफ ट्रेवल कर रहा है नाउ अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, बाई एक्स इज इक्वल टू वी ओ एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। एक्स की जगह एन बी डालेंगे, वी ओ एक्स की जगह इसको डालेंगे, ए एक्स की जगह इसको डालेंगे, क्या आपको लगता है टी मिलेगा? पता नहीं सर, पर मैं जानता हूं मिलेगा जरूर, ये तो मर चुका, तो एन बी इज यू टी। ये तो हाउ मच इज टी, माय गुडनेस वेरी रिस्पॉन्सिव पीपल, एंड अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन वाई इज वी ओ वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वाई की जगह कितना माइनस एन एच, वी ओ वाई कितना जीरो, ए वाई की जगह माइनस जी, और टी की जगह इसको डाल दूं क्या, बूम 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 माइनस माइनस कट गए, सो एन एच इज जी बाई टू एन स्क्वेर बी स्क्वेर बाई यू स्क्वेर। मैं एक एन काट रह हूं, रोक सको तो रोक लो, मुझे एन चाहिए ना, तो एन को आइसोलेट बड़ी ही शांति से करना, टू यू स्क्वेर ऊपर तो टू यू स्क्वेर इंटू एच ओवर जी और बी स्क्वेर नीचे। भाई देख तो जरा ऐसा कुछ आ रहा है लाइक क्या, टू यू स्क्वेर एच ओवर जी बी स्क्वेर, करेक्ट तो करेक्ट तो क्या बोलता है भाई। ओके राउंड वन का फाइव ये कह रहा है, दो इक्वेशन दिए हुए कि दे से दैट द हाइट एच एंड डिस्टेंस हाइट वाई एंड डिस्टेंस एक्स
along the horizontal for a body projected in xy plane is given as y is equal to 8t minus 5t square and x is equal to 60. They want you to find the initial speed. इनिशियल स्पीड कैसे मिलेगी सर? अरे भाई तुम्हारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन के इक्वेशंस है ना, वी नो y इज v0 जीरो साइन थीटा इन टू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर. ये g 10 है तो 10 बाई टू 5 हो गया. तो लुक एट दिस, v0 जीरो साइन थीटा कितना होगा? 8. ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट इक्वेशन. एंड x इज इक्वल टू वी जीरो कॉस थीटा इन टू टी. वो मैन, तो वी जीरो कॉस थीटा कितना? 6. माशाल्लाह. अब तो कुछ भी करने को बोलो, वेलोसिटी फाइंड करने को बोलो, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फाइंड करने को बोलो, सब हो जाएगा. तो लेट अस स्क्वायर एंड ऐड. स्क्वायरिंग एंड एडिंग, क्या मिलेगा? स्क्वेयरिंग एंड एडिंग में कुछ मिलेगा क्या? स्क्वेयरिंग एंड एडिंग में वी जीरो स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा प्लस वी जीरो स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा. वी जीरो साइन थीटा कितना है? 8. तो 8 का स्क्वेयर. एंड वी जीरो कॉस थीटा कितना? 6. तो 6 का स्क्वेयर. एंड वी जीरो स्क्वेयर कॉमन, साइन स्क्वेयर प्लस कॉस स्क्वेयर इज 1. And this is 64 plus 36, which is 100. Sin square plus cos square 1 हो जाता है, तो V0 square is 100. तो V0 is 10 meter per second. अच्छा, if somebody asks you to find the angle of projection, what would you do? You divide them, है ना? V0 sin theta by V0 cos theta is 8 by 6. That's how we do it. 1.3333. You think हो पाएगा? अगर करना हो तो. Good? Yes. Okay, I'm taking this off. The next number that I have is number 11. I'm sure you're looking at number 11. Round 1 ka hi. Haan. Be my guest. Bilkul kari sakte hain, kyon nahi kar sakte? In short, rakhna to padega na. पर और वो तब पॉसिबल है जब तेरे को वी जीरो मिल गया हो. सपोज तेरे को यही पूछा होता कि उनको वी जीरो नहीं चाहिए, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ही चाहिए, तो तू कोई वी जीरो फाइंड करने नहीं बैठती, तू डिवाइड ही कर देती ना सीधा. तो डिपेंड करता है कि अपने को क्या पूछा है, क्या फाइंड करना है करके. उन्होंने हमको यहां वी जीरो पूछा था तो हमने वी जीरो फाइंड किया. अगर थीटा पूछा होता तो हम डिवाइड कर लेते. ओके, राउंड वन का ही 12 कर रहा हूं मैं. अ प्रोजेक्टाइल कैन हैव सेम रेंज फ्रॉम टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन. आई थिंक एवरीबॉडी नोज दैट ना. फॉर सेम रेंज यू नो द एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन आर थीटा एंड 90 माइनस थीटा. सो फॉर सेम रेंज एंगल्स आर थीटा एंड 90 माइनस थीटा रिस्पेक्टिवली. अब उन्होंने कहा है कि एच वन एंड एच टू आर मैक्स हाइट्स, तो रेंज के साथ इक्वेट करना है. ओके, अच्छा भाई, फॉर प्रोजेक्टाइल वन जिसका एंगल कितना है? थीटा. ए, तुमको मैक्स हाइट का इक्वेशन याद है क्या? एच इज इक्वल टू वी जीरो. क्या बात. सो वील कॉल इट एच वन इज वी जीरो स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा बाय 2g. एंड फॉर सेकेंड प्रोजेक्टाइल व्हाट वुड बी द एंगल? फॉर प्रोजेक्टाइल 2 कितना एंगल है? 90 माइनस थीटा. सो मैक्स हाइट h, फिर से भाई मैं सीधा h2 लगा रहा हूं, v जीरो स्क्वेयर साइन स्क्वेयर 90 माइनस थीटा बाय 2g. भाई साइन 90 माइनस थीटा इजंट इट कॉस थीटा? बट साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा. तो तुम्हारा एच टू क्या हो जाएगा? वी जीरो स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा बाय 2g.
अच्छा, उन्होंने अगर आप ऑप्शंस देखो तो रेंज को हाइट्स के साथ इक्वेट करना है, H1 H2 के साथ। अच्छा, रेंज की इक्वेशन, अच्छा पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई 1 इंटू, तो H1 इंटू H2, H1 कितना है श्रीमान? V0 स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा बाई 2G, एंड H2 कितना है? V0 स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा बाय 2G। ओके, तो V0 रेज टू 4 अपॉन 4G स्क्वेयर इंटू साइन स्क्वेयर थीटा कॉस स्क्वेयर थीटा। तुमको याद है रेंज में तुमको साइन 2 थीटा चाहिए था किसी जमाने में? तो एक काम करो, मैं ना ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं बताता हूं मैं। 4 sin² θ cos² θ, मैंने 4 मल्टीप्लाई किया और 4 नीचे डिवाइड कर रहा हूं। 4 sin² θ cos² θ, कैन आई राइट इट एज 2 sin θ cos θ द होल स्क्वायर? कैन आई डू दैट? 4 sin² θ cos² θ को कैन आई राइट 2 sin θ cos θ द होल स्क्वायर? खोलो ना, 2 का स्क्वायर 4 sin² cos² एंड व्हाट इज 2 sin θ cos θ? sin 2 θ। आई एम टेकिंग दिस ऑफ, sin 2 θ। सो बट इन इंग्लिश वी कॉल इट बट, 2 sin θ cos θ इज sin 2 θ। तो तुम्हारा इक्वेशन क्या बन गया? H1 इंटू H2 इज V0 रेज टू 4 sin 2 θ द होल स्क्वेयर ओवर 16G स्क्वेयर। अगर आपका ध्यान मेरे साथ चल रहा है, ये 1/16 को बाहर निकाल लिया मैं, नीचे G V0 स्क्वेयर। कैन आई राइट दिस? V0 रेज टू 4 मतलब V0 स्क्वायर का स्क्वायर, sin 2 θ द होल स्क्वायर तो sin 2 θ द होल स्क्वायर, G का स्क्वायर मतलब G का स्क्वायर, ये 1/16 को बाहर ले लिया। इज इन दिस रेंज? V0 स्क्वायर sin 2 θ बाई G, इज इन दिस रेंज? तो रेंज का स्क्वायर, तो हाउ मच इज रेंज का स्क्वायर? इज इंट इट 16 H1 H2? टेक रूट, तो आर कितना मिलेगा आपको? रूट ऑफ 16 H1 H2, एंड 16 का रूट क्या है? 4। इज समवन चेकिंग, इज दैट द आंसर? यस दैट इज द आंसर, फेयर इनफ। आई एम लुकिंग एट राउंड 1 का 20 इमीडिएटली। आसान है, चेक दिस आउट। कोई आया राउंड 1 20 के पास? मैं आपको आइडिया दे देता हूं, करना आप। ओके, क्या कहता है सम? ओके, राउंड 1 का 20। ओके, कह रहा है कि टू पेपर स्क्रीन ए एंड बी आर सेपरेटेड बाई डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। ओके, लेट अस से ये स्क्रीन ए है, ये स्क्रीन बी है, एंड दोनों के बीच में 100 मीटर का डिस्टेंस है। ओके, अ बुलेट पियर्स इज ए एंड बी। ओके, द होल इन बी इज 10 सेंटीमीटर बिलो द होल इन ए। अच्छा, तो सपोज ये है होल इन ए, ये ए का होल है और ये बी का होल है, तो इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है? 10 सेंटी मतलब 0.1 मीटर। ओके, और गोली निकल रही है, ये गोली है, गोली ऐसी जा रही है। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, क्या डायग्राम बना ले। वेलोसिटी ऑफ द बुलेट इज,
अच्छा वेलोसिटी आपको वी जीरो लिखनी है, आप वी जीरो लिखो, वी जीरो फाइंड करना है। कोई मुझे बताएगा कैसे करेंगे? भाई सबसे पहले वी ओ एक्स कितना? वेरी गुड। वी जीरो वाई कितना? जीरो। ए एक्स कितना? जीरो। ए वाई कितना? ओके सबसे पहले डू यू सी ये गोली यों जाके यों आई, हाउ मच इज दी वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड? 0.1 मीटर अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन। कितना डिस्टेंस कवर किया? डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 0.1 मीटर। सो वाई, और वो भी नीचे की तरफ है, तो -0.1 मीटर। एनीबडी हैज एन इक्वेशन फॉर वाई? वाई वी ओ वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। मेरे पास y की वैल्यू है, v o y की वैल्यू है, कहाँ गया बे? ये रहा, a y की वैल्यू है। आई थिंक डालना काफी अच्छा रहेगा, एंड एज द मैन राइटली सेड, यहां से हमको t की वैल्यू मिलने वाली है। ये माइनस माइनस उड़ा दूं तो t स्क्वायर इज 2 × 0.1 बाई जी को 10 ही ले लो ना, कौन माथा कूट करेगा? बरे बरे, तो 2 ये 10 को ऊपर ले जाऊं तो 10 is to -2, एंड रूट मार दिया, मार डाला। हाँ बेटा, हाँ बेटा, इसको ऐसे रखने का ना। अच्छा, और अब अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। वेरी गुड। कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन? 100 मीटर। तो x इज इक्वल टू वी ओ एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। भाई ए एक्स तो 0 ही है, यू थिंक यू कैन फाइंड द आंसर? टी की जगह मुझे लगता है आंसर आ ही गया है। ये 10 is to -2 ऊपर चढ़ गया तो 1000, 1000 डिवाइड बाय रूट 2, 1000 डिवाइड बाय रूट 2 इज 500 रूट 2। उन्होंने इस तरह मांगा है आपसे, अब ये डिवाइड करते मत बैठना तो कांडे हो जाओगे। 1000 इज 500 × 2 मतलब 500 √2 √2। अरे √2 रे √2, तो 500 × 1.41, 14 5 70, मतलब 700 के आसपास होना चाहिए आंसर। चेक करो तो जरा, करीबन करीबन, बूम शाकलाका बूम बूम, टका टक है, कोई दिक्कत? हाय, कोनो दिक्कत नहीं है ना, तो आगे बढ़ते हैं। और मैं करने जा रहा हूं नंबर 64। मस्त है ये नंबर 64, राउंड 1 का। एक आध बार शायद कहीं पूछा भी गया है, डायग्राम देखते ही करने का मन करता है, मतलब न्यूमेरिकल को। ऐसा लगता है जाके देखूं तो सही, क्या हो क्या रहा है, इतना बढ़िया डायग्राम बनाया है। रुको मैं भी डायग्राम बनाता हूं तुम्हारे लिए। ओके कुछ पार्टिकल ब्रिटिकल की बात हुई है, ये ए है, यहां से छोड़ रहा है और यहां से छोड़ रहा है, इसका कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड, और कितना एंगल पे है ये? 60 डिग्री, और ये वो यहां आ रहा है। ओके इसको सी का नाम दिया, और यहां से दूसरा छोड़ रहे ले बी, ऐसा सीधा छोड़ रहे ले 5 मीटर पर सेकेंड पे, ये भी ऐसा ही आ रहा है। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या डायग्राम है। अच्छा क्या करने का है? अ पार्टिकल ए इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड विथ इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। फॉर ए इनिशियल स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, एंगल कितना बना रहा है? 60 डिग्री विथ द हॉरिजॉन्टल। फ्रॉम वॉट हाइट एच, अच्छा इसको एच कहा है उन्होंने, शुड अनदर पार्टिकल बी बी प्रोजेक्टेड फॉर बी
उसकी इनिशियल स्पीड कितनी है? 5 मीटर पर सेकेंड. सो दैट बोथ पार्टिकल्स कोलाइड एट द ग्राउंड एट पॉइंट सी, बोथ आर प्रोजेक्टेड साइमल्टेनियसली. जी को 10 लेने का. क्या कॉमन नजर आ रहा है? डू यू सी द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बोथ इज सेम, इजंट इट? सो द फर्स्ट थिंग आई वॉन्ट टू फाइंड आउट, हाउ मच टाइम डज इट टेक फॉर दिस पार्टिकल ए टू गो फ्रॉम हियर टू सी? सो फॉर पार्टिकल ए टू गो फ्रॉम ए टू सी, डू यू अग्री इट विल बी टाइम ऑफ फ्लाइट? ओके, सो टी एफ इज टू वी जीरो साइन थीटा बाय जी. आई थिंक आई हैव एवरीथिंग. भाई ए का ही लेना, फॉर पार्टिकल लिखा ही नहीं है, ए ए का ही लो. सो टी इज टू, भाई ए का स्पीड कितना? 10 इंटू साइन कितना है ए का? एंगल 60 बाय जी, जी को 10. भाई 10 10 तो जाने वाले हैं. एंड हाउ मच इज साइन 60? वांदा ने कल बताना. सो बी को भी सेम टाइम लगेगा, उतना ही टाइम लगेगा. अच्छा फॉर बी हाउ मच इज द वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल? वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज माइनस एच. तो वाई इज वी ओ वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर. वाई कितना है? माइनस एच. भाई बी का वी ओ वाई कितना है? 0. बूम मक्खन. ए वाई कितना है? माइनस जी, माइनस 10 इंटू रूट 3 का स्क्वायर. भाई ये माइनस माइनस काट डालो. 10 बाई 2 इज 5 एंड रूट 3 का स्क्वायर इज 3. 15 मीटर चेक कीजिए. तब तो अग्रीएबल बराबर है ये. वेरी गुड. देखने में यार खतरनाक लग रहा था पर जब किया तो मजा आ गया. मैं करने जा रहा हूं राउंड 2 का 38. आप लोग आओ मेरे साथ राउंड 2 का 38. आसान एकदम, बिल्कुल आसान. मैं इसको उड़ा दूं. राउंड 2 पे चढ़ गए ले. सॉरी नहीं नहीं बेटा, आसान इधर है और इधर, क्योंकि मेरे को लगता है कि मैं कर पाऊंगा. हाँ ऐसा जरूरी नहीं है कि मेरा आंसर आ ही जाएगा. नहीं जरूरी नहीं है, कतई जरूरी नहीं है, गलती भी हो सकती है. बट एक बार मन में ये हो गया ना, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, तो द अप्रोच बिकम्स वेरी इजी. यू नो आपको अगर पता है कि इसको मेरे को दोस्त बनाने का है तो आप किस तरह मिलोगे? अच्छी तरह मिलोगे या मारा मारी के मूड में मिलोगे? अच्छी तरह मिलोगे ना, है कि नहीं? अगर तुम्हारी मम्मी कहती है भाई इसके साथ लड़ाई मत करा, तो इसके साथ दोस्ती बना के रख, तो तुम अच्छी तरह मिलोगे ना उससे. तो मैं भी वही कह रहा हूं, अच्छी तरह तो मिल लो एक बार, एक बार तो मिल लो कि यार तू आसान है, तू मेरे टाइप का है, आजा तेरे से दोस्ती करो. तुम मारा मारी के मूड में मिलते हो ना, इसलिए वो हाथ में नहीं आता, इसलिए तुम पे हमेशा वो हावी रहता है. याद रखना, मूड अच्छा लेके चलो, दोस्ती यारी का लेके चलो, तो मजा आएगा. ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे. अच्छा गाना था सोले का. A boy can throw a stone up to a max height of 10 meter. K max height. H max is 10 meter. वही बच्चा maximum horizontal distance कितना फेंकेगा? I think ऐसा एक आद आपके उसमें भी था, worksheet में शायद. Okay, now we know. Hey, max height का formula क्या था? V zero square साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g. फॉर एच टू बी मैक्स, डू यू अग्री एच मैक्स कब होगा? जब साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? 1. तो एच मैक्स इज वी जीरो स्क्वायर बाय 2g. ए एच मैक्स कितना है? 10 मीटर.
सो वी जीरो स्क्वायर बाई टू जी की वैल्यू कितनी 10 मीटर. नाउ एनीबडी गिविंग मी फॉर्मूला फॉर मैक्स रेंज. भाई आसान चीज है तो काहे गड़बड़ा रहे थे. तो ये वी जीरो स्क्वायर बाई टू जी, तो एक काम करते ऊपर टू और नीचे टू. एनु पहचानिया तुसी वी जीरो स्क्वायर बाई टू जी इजंट इट 10. आंसर आई थिंक 20 मीटर होना चाहिए. अरे डी हो या सी, सानू की आंसर चाहिदा सी. तो 20 आ गया सी, बहुत बढ़िया. नंबर 40, वही राउंड टू का नंबर 40, नाले नाले ही है. क्या कहता है, कुछ बहुत सारा थियरी बतिया रहा है. अ लार्ज नंबर ऑफ बुलेट्स आर फायर्ड इन ऑल डायरेक्शंस विद द सेम स्पीड वी, व्हाट इज द मैक्सिमम एरिया ऑन द ग्राउंड ऑन विच दीज बुलेट्स विल स्प्रेड. अच्छा एक बात बताओ, सपोज मेरे हाथ में गन है और मैं टिश मारता हूं, तो ये जो बुलेट जाके गिरेगी वो, तो मेरी जगह से वो बुलेट जहां गिरी उतनी जगह क्या होगी, रेंज, इजंट इट रेंज. सो तुमको मैक्स एरिया चाहिए. व्हेन अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम द गन, सपोज ये बंदूक है और ये गोली निकली और ये जो है, इजंट दिस मैक्स रेंज, एंड तुम ऐसे कर रहे हो टिश 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 गोल गोल घूम रहे हो, तो ये मैक्स रेंज जहां जहां गोलियां गिरेंगी तो डू यू एग्री एक सर्कल जैसा बन जाएगा, और इस सर्कल का रेडियस कितना होगा मैक्स रेंज, डू यू अंडरस्टैंड. दिस गन इज एट द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड तुम घूम रहे हो, एंड एज ए रिजल्ट गोलियां भी धड़ 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 गिर रही है. तुमने एक गोली मारी डिश, ये गिरी कितने रेडियस पे गिरी, मैक्स रेंज. तो मैक्स रेंज आर मैक्स, यू नो इट इज वी जीरो स्क्वायर बाई जी, यहां पे कितना है वी स्क्वायर बाई जी, एंड दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल. सो मैक्सिमम एरिया, डू यू नो व्हाट इज द एरिया ऑफ अ सर्कल, पाई आर स्क्वायर, दैट इज पाई इंटू आर मैक्स द होल स्क्वायर. सो पाई इंटू हाउ मच इज द रेंज, वी स्क्वायर बाय जी द होल स्क्वायर. तो मुझे ये ब्रैकेट खोलने पर मिलता है पाई वी फोर बाय जी स्क्वायर. चेक, आपको आपको ये अंदाजा आया ना कि मैं रेडियस कैसे पकड़ लिया. मैं यहां खड़ा हूं, सपोज मैं सेंटर ऑफ द सर्कल पे खड़ा हूं, मैं गोली मारू, ये गोली जहां पे गई यहां से उस तक का डिस्टेंस इजंट इट माय रेंज, और मैं टिश 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 डिश ऐसा एक ही जगह पे गोल गोल घूम के सबको गोलियां मार रहा हूं, तो एक सर्कल बन गया मेरे आसपास, और वो सर्कल का रेडियस क्या है, रेंज. और अगर मैक्सिमम चाहिए तो मैक्स रेंज ले लो, तो मैक्स रेंज इज वी स्क्वायर बाई जी एंड एरिया ऑफ द सर्कल इज पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर विच इज दिस. ऑलराइट, आई थिंक आई विल डू द लास्ट न्यूमेरिकल फॉर द डे. ओके, राउंड टू का 44 पेशे खिदमत है. वो कहता है कि पॉइंट पी मूव्स इन अ काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑन अ सर्क्यूलर पाथ हैज शोन. द मूवमेंट ऑफ पी इज सच दैट इट स्वीप्स आउट अ लेंथ एस इज इक्वल टू, इक्वेशन दिया हुआ है जैसे एक्स होता है ना वैसे, एस इज इक्वल टू टी क्यूब प्लस 5. ओके, कहा गया वे एस इज इन मीटर एंड टी इज इन सेकेंड. The radius of the path is 20 meter. Radius of the path is 20 meter, as you can see here. The acceleration of P at t equal to 2 second is. तो मुझे सर आसान है एकदम. आपने जैसे s लिया ना, इसको एक बार differentiate करेंगे velocity मिलेगा, एक और बार differentiate करेंगे acceleration मिलेगा. चलो फिर differentiate equation 1 with respect to t. तो velocity v, अब ये मत बोलना सर वेलोसिटी डी एक्स बाई डी टी नहीं होता भाई, वही है एक्स ही है और कुछ नहीं. तो डी बाई डी टी ऑफ टी क्यूब प्लस 5, एज आई से इट इज इजी पीजी जैपन इजी. डी बाई डी टी ऑफ टी क्यूब इज 3 टी स्क्वायर,
एंड डी बाई डी टी ऑफ 5 इज 0, तो ये मिल गया वेलोसिटी। एक और बार डिफरेंशिएट करें तो एक्सेलरेशन इज डी बाई डी टी ऑफ वेलोसिटी विच इज डी बाई डी टी ऑफ 3t² विच इज 60। तुम बोलेगा सर 2 सेकेंड डाल दू क्या? सर डाल दे यार, एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड एक्सिलरेशन इज 6 × 2 = 12। पर एक नहीं, पर एक छोटी सी लोचा है। डू यू अग्री पार्टिकल सर्क्यूलर पाथ पे घूम रहे? एंड जब भी कोई बॉडी सर्क्यूलर पाथ पे घूमता है डजेंट इट ऑल्सो हैव अ सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन? तो ये तो तुम्हारा टेंजेंशियल एक्सिलरेशन है। ऐसा सेंट्रीपिटल होगा कैसा? टुवर्ड्स द सेंटर। एंड सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन का वैल्यू याद है? v² / r। ओके, दिस इज टेंजेंशियल एक्सिलरेशन। अब सेंट्रीपिटल, v² / r। भाई वेलोसिटी कितनी है? 3t², तो एट t इक्वल टू 2 12 मीटर पर सेकेंड, तो 12 का स्क्वायर अपॉन व्हाट इज द रेडियस ऑफ द पाथ? 20 मीटर। सो दिस इज 144/20, दैट इज 14.4/2, 7.2। ये एसी है, ये एटी है, इन दोनों का रिजल्टेंट? इजंट इट रूट ऑफ ac² + at² एसी 7.2 का होल स्क्वायर प्लस 12 का होल स्क्वायर। 7.2, 7 का स्क्वायर 49, 50 के आसपास पकड़ लेना, देखें क्या राउंड ऑफ आ रहा है। प्लस 144, 194 जैसा। एंड आई थिंक 14 का स्क्वायर होता है 196, करीबन 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इज दैट अ चेक? आंसर चेक करें। ओके, बिफोर साइनिंग ऑफ आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर वन स्मॉल टिटबिट विथ यू, यू कैन चेक दिस आउट। मैं राउंड 2 का 46 का आपको हिंट देने जा रहा हूं, मैं चाहता हूं कि वो आप करें, बहुत ही बढ़िया सम है एंड समथिंग दैट वी हैव ऑलवेज डन। सो राउंड 2 का 46, जस्ट अ हिंट, आई विश दैट यू वुड डू इट एट होम। व्हाट डज इट से? अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी v0 अलोंग द एक्स एक्सिस, द डेसेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, दैट मींस एक्सेलरेशन ए डेसेलरेशन है, तो माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर। एंड द डिस्टेंस एट विच पार्टिकल स्टॉप्स, डिस्टेंस एट विच पार्टिकल स्टॉप्स, ए स्टॉप्स मतलब वेलोसिटी कितनी हो जाती है? ओके सर, कैसे करने का? आप तो बोल रहे हो आपने करवाया। अच्छा, वी नो, यू नो एक्सिलरेशन इज डीवी बाई डी टी, और मैंने आपको चेन रूल भी बताया था, डीवी बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी, मैंने डिवाइड और मल्टीप्लाई डी एक्स से किया था। व्हाट इज डी एक्स बाई डी टी? वेलोसिटी। सो एक्सिलरेशन मिल गया, इक्वेशन 1 बिकम्स एक ही जगह वी डीवी बाई डी एक्स इज माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर। वाह बेटा, तो वी डीवी इज माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर डीएक्स, एंड अब इंटीग्रेट करना पड़ेगा 3 को, इंटीग्रेट बोथ साइड्स। मैं आंसर नहीं दूंगा आपको, बट मैं आपको लिमिट्स जरूर बता दूंगा कि कितने लिमिट पे वो करना है आपको। आपने देखा उन्होंने लिखा है पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, सो इंटीग्रल वी डीवी इज माइनस अल्फा, तो बाहर आ गया कॉन्स्टेंट है, एक्स स्क्वायर डी एक्स।
जब पार्टिकल ओरिजिन से शुरू हुआ तो उसकी वेलोसिटी कितनी थी? वी जीरो। और फाइनली कहीं पहुंचा होगा एक्स पे तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? जीरो। लिमिट्स दिख रहे हैं आपको? जब पार्टिकल ओरिजिन से शुरू हुआ, ओरिजिन पे था तो वेलोसिटी कितनी थी? वी जीरो। फाइनली पार्टिकल रुक गया तो वेलोसिटी हो गई जीरो। कहां पे रुका? लेट्स कॉल इट एक्स। यहां से क्या मेरे लिए इंटीग्रेट करके एक्स का इक्वेशन निकाल पाएंगे या मैं निकाल लूं? आप बोलो। श्योर? क्योंकि अब काफी आसान हो चुका है, मुझे लगता है मैं ही कर दूं। हाँ वो भी है, तो मैं पूरा ही कर देता हूं इसको। तो वी स्क्वेयर बाय टू, वी जीरो से लेकर जीरो तक इज माइनस अल्फा, एंड एक्स क्यूब बाय थ्री जीरो से लेकर एक्स तक। तो पहले अपर लिमिट, तो जीरो का स्क्वायर बाय टू माइनस वी जीरो स्क्वायर बाय टू इज माइनस अल्फा बाय थ्री, पहले अपर लिमिट एक्स क्यूब माइनस जीरो का क्यूब। अब क्या बचा? कुछ नहीं बचा। जय जय शिव शंकर, आज मूड है भयंकर। तो माइनस वी जीरो स्क्वायर बाय टू इज माइनस अल्फा एक्स क्यूब बाय थ्री। माइनस माइनस को मारो डिच, तो एक्स क्यूब ये थ्री ऊपर चढ़ गया, थ्री वी जीरो स्क्वायर, अल्फा नीचे उतर गया टू अल्फा। मुझे चाहिए इसका क्यूब रूट, तो एक्स इज थ्री वी जीरो स्क्वायर बाय टू अल्फा का क्यूब रूट। आंसर कोई चेक कर रहे लाए तो कर ले, देख ले और आंखों में आंखें डाल सीख ले। बराबर। तो यहां प्रोजेक्टाइल खत्म होता है महाराज, और जिन जिन को अब तक प्यार नहीं हुआ है वो घर जाके थोड़ा सा अच्छी तरह प्यार की नजरों से देखे, आई एम श्योर प्रोजेक्टाइल भी रिस्पॉन्ड करेगा इन द सेम वे। और नेक्स्ट हफ्ते मिलते हैं, कुछ और नई नई चीजें करते, सर्कुलर मोशन चालू करेंगे। थैंक यू, स्टे सेफ, इट्स लाइक दैट। ये नया अपना वो निकाला मैंने, क्या, बी पॉजिटिव एंड स्टे नेगेटिव। ऑलराइट, सो दैट्स द कोड टुडे। बाय बाय, टेक केयर।